चौकिया ब्लॉक मझगवा सोरतगढ़ ब्लॉक के महनौली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन विधायक श्याम धनी राही की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल रहे, जिसके नोडल खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव रहे। छात्रों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत गीत सरस्वती वंदना से प्रोग्राम का आगाज हुआ। ग्राम पंचायत महनौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के LED बैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। लाइव टेलीकास्ट के बाद संबोधित करते हुए सांसद पाल ने कहा, यह LED बैंड जो गांव गांव में जा रही है, यह मोदी की गारंटी है। विकास से कोई गांव दूर नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को सभी सरकारी सुविधा मिलेगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार, गैस एजेंसी, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल निगम के स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया तथा वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्टॉल पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही के द्वारा गोद भराई व बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया और चौपाल में उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह भारत का अमृत काल चल रहा है और आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी डबल इंजन की सरकार गांव में जाकर योजनाओं का लाभ पात्रों तक उनके घर पहुंचा रही है तथा गांव में चौपाल लगाकर सभी को योजनाओं का लाभ दिला रही है। जो पात्र किन्हीं कारणों से छूट गए, उनका उसी गांव में ही चयन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा रही है ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। आज मोदी है तो गारंटी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। आपके गांव में आपका सांसद आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए तथा योजनाओं का लाभ बताने के लिए सोया आया है। सांसद जगदम्बिका पाल यो विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम नहीं है। सभी अधिकारी आपके गांव में हैं ताकि गांव के लोगों को दफ्तरों का चक्कर ना लगाना पड़े। सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं आई, चाहे वह सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन की बात हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है ताकि आपको सरकार की योजनाओं के लिए कहीं जाना ना पड़े। अधिकारी गांव में आकर उन योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचावे, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की बात हो या किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, जो पात्र हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले। कोई भी गरीब परिवार सरकार की किसी भी योजनाओं से वंचित ना रहे, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या आवास हो या पात्र गृहस्थी के तहत राशन देने का कार्य हो। यदि वह पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। तथा सांसद जगदम्बिका पाल यो विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हर हाल में सभी का बनना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए, सबको आवास मिल रहा है ताकि गरीब के सर पर छत हो। तथा सांसद ने उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, कृतिका अवस्थी ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप सिंह, सुमन पटेल, अब्दुल गफ्फार ग्राम प्रधान, लक्ष्मी देवी, मंजू सहनी प्रधान प्रतिनिधि, प्रकाश यादव, रामू सहनी, शिव बहादुर, ओम प्रकाश सहनी, प्रदीप सिंह, लक्ष्मी, अमरेश सर्वजीत यादव, नंद किशोर गुप्ता, राम किशन यादव, रवि जायसवाल, महेंद्र लोधी, अनुर सिंह परशुराम, अरविंद चौधरी, ध्रुव नारायण, सांसद प्रतिनिधि दिलीप सिंह, मुरारी सिंह, रामकेश पांडे सहित सभी विभागों के अधिकारी गण व कर्मचारी गण क्षेत्रीय जनता की उपस्थिति में रही। जन कल्याणकारी योजनाएं जो अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री परमपु योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उससे कौन लोग लाभान्वित हुए, कौन छूटे और जो छूटे उनका यहाँ विकास खंड के माध्यम से उनके नामों को जुड़वाने का काम और कोई समस्या है उसका निराकरण कराने का जो है यहाँ इस माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ऐसे लोगों को जोड़ने का काम, विकास के कार्य को और निरीह गरीब ऐसे लोगों को आवास, गैस सिलेंडर, शौचालय, ये सबसे राशन, तमाम ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी योजनाओं को उसमें कौन अब तक सम्बद्ध नहीं हो पाए उन्हें सम्बद्ध कराने का गांव स्तर पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित हो रहा है और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिले के
और इनके नेतृत्व में आज पूरे जनपद सिद्धार्थ नगर में चल रहा है। अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है? देखिए लाभार्थियों को तो बहुत है, बहुत लाभ मिला है। जो कुछ लोग ऐसे ही कुछ छूटे हैं उनको जोड़ने के लिए काम हो रहा है। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के खूंटी से इस योजना को लॉन्च किया था, आज वो देश के सभी अपने मोदी के गारंटी के बैन से देश के सभी लाभार्थियों को या जो वंचित लोग हैं उनको आज उन्होंने संबोधित किया। उसी दिशा में मैं आज सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ विकास खंड के महनौली गांव में मैं मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ मौजूद था। यहां हमारे खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी जी, ब्लॉक प्रमुख पत्नी पराग राम जी, केशव जी, हमारे राजभर जी, कौशलेन त्रिपाठी जी और ब्लॉक प्रमुख और हमारे पद्माकर जी सभी बड़ी संख्या में आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज मोदी जी ने कहा है कि जितनी योजनाएं, चाहे हमारा प्रधानमंत्री का आवास हो, प्रधानमंत्री का शौचालय हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान का 5 लाख की दवाई की गारंटी हो, उज्ज्वला में निःशुल्क गैस का चूल्हा हो, तो ये बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मिल गया। 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, लगभग 55 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, इसी तरह से 10 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरा आने का मकसद ये है आप सबके बीच में कि जो छूट गया हर पात्र व्यक्ति है किसी योजना के अंतर्गत, उन योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले ये मैं ढूंढने आया हूँ। तो वो जो मोदी जी अपनी गारंटी देश की जनता को आवास, शौचालय, उज्ज्वला, सौभाग्य, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान दवाई की गारंटी का दिया है, उसी में हम आज इस महनौली में प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ थे। हमने जागरूक किया है, अपने वीडियो कृतिका अवस्थी जी से कहा है कि जितने लाभार्थी हों उनके अनुभवों का लाभ लिया गया, जो पात्र हैं अगर वंचित हैं तो उनका विभाग वाइज आप इसको कम से कम यहाँ पे नोट कराएंगे और जब मान लीजिए आवास की साइट खुलेगी तो आवास मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से आज ये इस मोदी की गारंटी के बैन का विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद यह है कि जो पात्र अभी भी छूट गए हैं उनको उन योजनाओं से सैचुरेट करना, लाभ देना।